मुझसे शादी करोगे का आज का एपिसोड वाकई में बहुत ही धमाकेदार रहा, जहां पर खूब एंटरटेनमेंट देखने को मिला, खूब हंसी मजाक हुआ, तो साथ ही साथ काफी सीरियस झगड़े भी हुए, तो वहीं काफी रोना धोना भी हुआ। जहां पर पारस और शहनाज को काफी एंटरटेन भी किया गया, तो ये दोनों गुस्सा भी हो गए और कंटेस्टेंट्स को डांट फटकार लगाते हुए भी दिखे, और इस तरीके से आज का एपिसोड वाकई में बेहद ही मजेदार रहा। तो चलिए आज के इस खास एपिसोड की हाइलाइट्स जान लेते हैं। तो आज का एपिसोड कई मायनों में बहुत ही ज्यादा मजेदार रहा, जहां पर शहनाज गिल और पारस छाबड़ा को एक बार फिर से इम्प्रेस करने के लिए घर वाले जी तोड़ मेहनत करते हुए नजर आए, खूब एफर्ट्स डालते हुए नजर आए। शहनाज गिल और पारस छाबड़ा एक बार फिर से लड़का लड़की को अलग अलग तरीके के टास्क देते हुए नजर आए, जहां पर शहनाज गिल ने मयूर को एक बेहतरीन टास्क दिया और कहा कि तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें पनिशमेंट देती हूं कि तुम्हें एक बढ़िया सी साड़ी पहननी है और सेक्सी अवतार में आना है और मेरे लिए डांस करना है, मुझे एंटरटेन करना है। और मयूर ऐसा करते भी हैं, वो एक बेहतरीन साड़ी पहन हैं, विग लगाते हैं और बाकी लोग उनकी मदद करते हुए नजर आते हैं। कि मयूर के इस हॉट अवतार को देखकर रणदीप तो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि तुझे देखकर तो फीलिंग आ रही है। और फिर मयूर शहनाज गिल को इम्प्रेस करने के लिए डांस करते हुए नजर आते हैं, खुद शहनाज भी उनके साथ झूमती हुई नजर आती है। इसके बाद शहनाज गिल के भाई शहबाज के साथ मयूर फ्लर्ट करते हुए नजर आते हैं और शहबाज काफी डर जाते हैं और डर के उनसे दूर भाग जाते हैं। इसके अलावा नवदीश को पारस छाबड़ा एक टास्क देते हुए नजर आते हैं कि उन्हें खानी होगी 5 मिर्चियां। जी हाँ, और नवदीश ऐसा करती भी है। पारस छाबड़ा के कहने पर नवदीश हरी मिर्चियां खाती हैं और बेचारी को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी वो इस टास्क को कंप्लीट करती हुई दिखती है। पारस छाबड़ा यहाँ पर संजना गलजानी को एक टास्क देते हैं कि उन्हें स्विमिंग पूल में 20 डुबकियां लगानी होंगी और जिस अटायर में है उसी में, और हर एक डुबकी के साथ किसी न किसी कंटेस्टेंट की तारीफ करनी होगी। संजना ऐसा करती है और तारीफ करती हुई नजर आती है मयूर की कि तुम ना मुझे बड़े सुंदर लगते हो और तुम्हें ना जसलीन को ज्यादा टाइम देना चाहिए ताकि तुम आगे जाके शादी कर लो। इसके अलावा वो वहाँ पर लगातार डुबकियां लगाती है और हर एक कंटेस्टेंट की तारीफ करती हुई दिखती है। इसके बाद पारस छाबड़ा जसलीन मधार को टास्क देते हुए नजर आते हैं कि उन्हें घर वालों की गलतफहमी के गुब्बारे फोड़ने हैं, जहां पर जसलीन मधारू संजना को कहती है कि वो बहुत ज्यादा फेक करती है और बनने की कोशिश करती है एक अच्छी लड़की कि पारस छाबड़ा तुम्हारे लिए ये करूं वो करूं। यहां पे और भी लड़कियां हैं और हां एक बात, कोई किसी का नौकर नहीं है और ना ही हम यहां पर पारस छाबड़ा की गुलाम है, तो ये सब चीजें फेक करना बंद करो। यहां पर वो अंकिता को लेकर कहती हुई नजर आती है कि तुम ये भोली भाली लड़की बनती हो ना सती सावित्री वाली, यहां पर प्यारी बहू बन आई हो, ये सब चीजें तुम्हारे लिए वर्क नहीं करेंगी। अगर तुम्हें शो में आगे बढ़ना है तो ये सब चीजें पीछे छोड़नी ही होगी। जसलीन मथारो की ये बातें अंकिता को हर्ट करती हैं और वो रोना शुरू कर देती हैं। जसलीन बलराज को लेकर कहती है कि यहाँ पर मुझे वो निहायत ही बदतमीज लगता है और उसके मजाक बहुत ही ज्यादा खराब होते हैं। वो बलराज को कहती हुई नजर आती है कि मेरी तरफ देखो, इस इंसान में इतने भी गट्स नहीं है कि ये खुद की बुराई सुन सके। इसके अलावा आपको बता दें कि जसलीन मथारो के टास्क के बाद पारस छाबड़ा हिना पांचाल को टास्क देते हुए नजर आते हैं कि उन्हें 10 पुशअप्स करने हैं और हर एक पुशअप्स के साथ उन्हें पारस छाबड़ा की एक तारीफ करनी होगी और सभी उन्हें खूब चीयर करते हुए नजर आते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर हिना पारस छाबड़ा को इम्प्रेस करती हुई दिखती है। इसके बाद शहनाज गिल मयंक को एक टास्क देती हुई नजर आती है कि आपका सीरियसनेस बहुत देखा है, अब थोड़ा सा फन मजाक मस्ती हो जाए, आपको मुझे एंटरटेन करना है, चाहे कुछ भी करो, मारो पीटो, लेकिन मुझे एंटरटेन करो। यहाँ पर मयंक कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर ये बाकी जोकर कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता ये सब चीजें, ये मेरे लेवल की नहीं है और मैं अपने लेवल से नीचे गिर भी नहीं सकता। शहनाज कहती है कि आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे किसी का लेवल नहीं है, सबका यहाँ पर एक ही लेवल है और लेवल की तो बात करो ही मत, तुम्हारा क्या लेवल है यहाँ पर जो तुम मना कर रहे हो इस टास्क को करने से, ये तुम्हारा ईगो है और ये ना ईगो अपने घर पे दिखाना यहाँ पर नहीं, और अगर तुम यही बोलते हो ना तो तुम्हें यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए, ये शो तुम्हारे लिए है ही नहीं। तो दोस्तों ये थी शो मुझसे शादी करोगे के आज के एपिसोड की हाइलाइट्स, और इस शो से जुड़ी और भी बाकी कई चटपटी मसालेदार खबरें, हाइलाइट्स और टॉप 5 यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।